एक बार इस मौलाना को देखिए, एक बार देखिए कैसे मासूम शक्ल मनाकर ये इंसान पुलिस के सामने खड़ा है। लेकिन इसके ऊपर जो आरोप लगे हैं उन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल ये मामला है मेरठ के दिल्ली गेट थाने का, जहां एक महिला ने इस मौलाना के ऊपर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि आरोपी इमरान तंत्र मंत्र करता है और इसी सिलसिले में वो उसके घर घुस आया और मौका देखकर महिला के साथ जबरदस्ती करने लगा। महिला की माने तो वो उस समय घर में अकेली थी। ये हमारे घर पर आया था तो हमारे घर पर कोई नहीं था, तो जबरदस्ती करने लगा हमारे साथ में। तो हमने क्या नाम, हमने मना करी कि हमारे यहाँ से चले जाओ, तो हमारी बदनामी होगी, बेमतलबी। तो ये नहीं माना, फोटो वोटो सेंड करने के लिए बोला था कि ब्लैक मैं करूँगा, फोटो करूँगा, तो इस वजह से हम डर गए। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर क्या नाम है, हमारे नंदोई आए थे और मोहल्ले वाले आए थे, पति आ गए हमारे, फिर इन्हें पकड़ लिया, फिर इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। अबे तहरीर दे दी है उसके खिलाफ जी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी इमरान ने बताया कि वो सात भाई बहन है और मस्जिद में नमाज पढ़ता है। पुलिस की माने तो महिला की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। देखिए, ये कल देर शाम थाना दिल्ली गेट पर सूचना मिली थी कि ईश्वरपुरी नामक मोहल्ले में एक व्यक्ति जो है एक महिला के घर में आ गया था। इसमें उस महिला की तरफ से, उसके परिजनों की तरफ से शायद तहरीर आई है, महिला की तरफ से तहरीर आई है जिसके आधार पर इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और साक्ष्य और सत्यता के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले को लेकर हिंदू जागरण मंच ने भी महिला की मदद की। हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष सचिन सिरोही इस मामले को लेकर थाने पहुंचे और आरोपी इमरान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। क्षेत्र का मामला है ईश्वरपुरी, यहाँ एक मोहल्ला पड़ता है, हिंदू मोहल्ला है, उसके अंदर जो महिला है वो किठोरी थाना क्षेत्र की तरफ की रहने वाली है, मईका उसका वहाँ का है, ससुराल उसकी जो है यहाँ ईश्वरपुरी की है। तो एक मुस्लिम युवक जिसका नाम इमरान बताया जा रहा है, वो मस्जिद में मौलाना है और मौलाना होने के साथ साथ वो कुछ जादू टोना तंत्र मंत्र का काम भी करता है, जैसे महिला ने बताया है। और उसके घर में कुछ फ़ोन पे संपर्क करके आज वो घर पे आया और घर पे आकर उसने कुछ अश्लील फ़ोटो वीडियो भी दिखाई, ब्लैकमेल भी करा और घर में घुसकर जो है माहौल देखकर, घर पे कोई था नहीं उस समय मौके पर, तो महिला के साथ छेड़छाड़, हाथापाई, मतलब मैं बोल भी नहीं सकता जो भी उसने बताया है। महिला ने उसके साथ जो है बलात्कार का भी प्रयास किया। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।